अरे तू घर बदल लेगा तो हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। ए! हाथ पर बांध कर इसे गाड़ी में डाल। जिंदा चाहिए, अगर इसे कुछ हो गया तो भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम लोग मुझे जिंदा लेकर नहीं जा सकते, अगर मैं मरूंगा तो यही मरूंगा। बोल रेडी है क्या? रेडी है क्या? एक कदम आगे बढ़ा के देख, हिम्मत हो तो आगे बढ़ के देख। ए, कार्तिक चलो सर काटने वाला गेम खेलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? चलो चलो। अरे ये कैसे मार डालेंगे? मैं मार के दिखाऊं कैसा लगता है? तलवार और ये रही मेरी गर्दन। अभी की अभी मार दो मुझे। कल मारना है, परसों मारना है, ऐसी मौत नहीं चाहिए मुझे। अपने आदमियों को भी मत भेजना, वरना भी मुझे वो मारे जाएंगे। मुझे जब तुम्हारी जान की जरूरत होगी तभी मैं लूंगा। अरे मैंने कितनी बार बोला कि मैं उसे प्यार करता हूँ, उसके लिए जीना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत दोनों मेरे हाथों में है, ये जानकर भी तुमने प्यार किया, तुम्हारी गलती है। हाँ गलती है मेरी, मगर क्या करूं मैं, प्यार से मैं बच नहीं पाया। प्यार में इतनी ताकत है कि कोई किसी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगता है, तब उसको उसकी अहमियत पता चलती है। लेकिन लोगों को मारकर उनका खून पीने वाले तुम इसके बारे में क्या जानोगे? अगर तुमने कभी किसी से प्यार किया होता तब तुम्हें किसी की जान की वैल्यू समझ में आती, लेकिन तुम तो राक्षस हो, राक्षस। ए, चुप हो जाओ। दोनों एक दिन सामने आ जाएंगे ये पता होने के बाद भी तुम इसके लिए तैयार हो गए थे, वरना तुम्हें क्या पता मेरे भक्ता के बारे में? तुमने कहा था ना कि इसको प्यार की कीमत नहीं पता। आओ आओ मेरे साथ। देखो उधर, तुम्हें पता है वो फोटो किसकी है? भत्ता की पत्नी की। शादी के बाद एक बच्ची को जन्म दिया था उसने, और एक दिन वो मंदिर से लौट रही थी तो रास्ते में कुछ दुश्मनों ने उसे जलाकर मार डाला। इस घटना को 25 साल हो गए और आज तक मेरे बेटे ने दूसरी शादी नहीं की। जानते हो इसका कारण क्या है? क्योंकि ये अपनी पत्नी की जगह किसी और को नहीं दे सकता था। इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। तुम्हें भक्ता चाकू पकड़ा हुआ यमराज लगता है ना?
लेकिन यही भक्ता कई परिवारों के सहारे के लिए खड़ा हुआ है। लोगों की जमीनों को कॉरपोरेट का नाम देकर खाली करवाया जा रहा है और सारी खाली जमीनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है और उनके साथ न्याय करने के चक्कर में किसी न किसी की मौत हो रही है और इस वजह से इसके काफी दुश्मन भी हो गए हैं। न्याय के लिए लोगों की जान लेने वाले मेरे बेटे ने तुम्हारी जान क्यों खरीदी पता है तुम्हें? अपनी बेटी के लिए। उसकी बेटी ही उसकी जान है। इतने दिनों तक इसने उसको एक छोटी सी खरोच भी नहीं आने दी, लेकिन विधि का विधान का क्या करें? भगवान ने उसके दिल में ऐसी चोट दी जो कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर उसको जिंदा रखना है तो उसके दिल को बदलना होगा और उसके लिए तुम्हारे दिल की जरूरत है। और जब तुमने अपना इरादा बदल लिया तो इसने जिस बेटी को इतने प्यार से पाला है उसका क्या होगा ये सोचकर वो दिन रात परेशान हो रहा है कि उस भूल से बच्चे का क्या होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा मेरी मौत का इस्तेमाल करके आप किसी का नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन अगर मेरी मौत से किसी का भला होने वाला है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। चलता हूं। तू ही तो मेरी जिंदगी, अब तू ही है प्रार्थना और मेरी बंदगी, तू मेरे मन में बसी। जैसे चांद की तू है चांदनी, हर एक सांस में तू ही तो है बसी। जीवन में मेरे बस तेरी ही कमी, दिल में है दुआ आंखों में नमी। तेरा ही तो है ख्याल, मिले तुझे हर खुशी तेरे लिए। मैं भगवान बुद्ध की कसम खा के कहता हूँ, जीऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा और मरूंगा तो सिर्फ तुम्हारे बिना। अगर ब्रेन और हार्ट सही काम करता है तो ही इंसान जिंदा रह सकता है। अगर शरीर के सारे ऑर्गन और ब्लड सर्कुलेशन सही चल रहा है, सिर्फ हार्ट में ही डिजीज है, तो दूसरे की बॉडी से हार्ट लेकर दूसरे की बॉडी में रिप्लेस करने से उस इंसान की जान बचने के चांस बढ़ जाते। मैं उनसे पूछने वाली थी कि वो मुसीबत क्या है।
कौन है और तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? कॉलेज के पुराने फंडर हैं, इनकी वजह से ही मैं ऊटी में तुमसे दूर था। तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, एक पुलिस कंप्लेन करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। चलो लड़की से प्यार करता है, उसके लिए जीना चाहता हूँ, ये बात इज्जत से उनको बता दी थी। फिर वो लड़की कौन है उसके बारे में पता लगाकर उस पर ही हमला करवा दिया। मतलब जंग शुरू हो गई है, अब तो कदम पीछे हटाने का कोई सवाल ही नहीं होता। वो इंसान मुझे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे माँ और पापा, हेलो। क्या रे, मेरे घर पे गया है क्या? अरे सॉरी सॉरी, लगता है पुराने घर पे गया तू। कार्तिक, सोच, एक अनपढ़ इंसान जब इतना दिमाग चला सकता है आराम से तो मुझे कितना चलाना चाहिए? उठना नहीं चाहिए भाई। देख, घर छोड़ दिया तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं भाग गया। ऊपर का सामान आ गया। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के पैसे लौटाने जरूर आऊँ। तब तक मेरे बारे में सोच कर अपना टाइम बर्बाद मत करो तुम लोग, और ये बात भक्ता को भी बता देना। भाई से दुश्मनी लेके तू चैन से नहीं रह सकता रे। कॉल करने वाले कार्तिक को झेलने की शक्ति भक्ता में है नहीं, उसे पूछ लेना। ए, फोन रख। अब पता कार्तिक का है, कार्तिक। पूरे शहर को छान मारो तो मछली अपने आप बाहर आ जाएगी। वो जाल में से नहीं निकल सकता, वो मुझे हर हाल में चाहिए, किसी भी कीमत में वो मुझे चाहिए, वो भी जिंदा।